इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर, एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद, ब्रजेश दुबे प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा। आजमगढ़ की शान, नेता नहीं आपका बेटा। विधानसभा 343 अतरौलिया आजमगढ़। एवं उज्जवल मॉडल स्कूल कादीपुर हरिकेश कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले के निजामबाद तहसील क्षेत्र के गांव निवादा के रहने वाले सुलखा वर्मा ने यूपीपीसीएस 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होकर जिले के साथ ही परिवार का नाम भी रोशन किया। सुलखा वर्मा इस वक्त 32 वर्ष के हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हुई, ग्रेजुएशन उन्होंने शहर के मशहूर डीएवी पीजी कॉलेज से किया। उसके बाद सुलखा को कुछ कर गुजरने की उम्मीद ने दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचा दिया। गौरतलब रहे कि सुलखा के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो जाने के कारण सुलखा को उनके भाइयों ने हमेशा सहयोग किया, एक पिता की तरह। आज जब सुलखा का चयन हो चुका है, तो उनके भाई और उनकी भाभी हरियाणा से गांव चले आए और मिलकर अपनी खुशियों को मना रहे हैं। सुलखा की मां अपने बेटे की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। अपने खुशियों को बयान करने के लिए मां के पास शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। वहीं भाई भी बोलते बोलते जज्बाती हो गए और आंखों से आंसू निकल आए। माँ इस सफलता का मुख्य श्रेय सुलखा के बड़े भाइयों को देती हैं। सुलखा वर्मा की भाभी कहती हैं कि यह सिर्फ सुलखा की मेहनत का नतीजा है, जबकि सुलखा इसे सभी भाइयों पर माँ का आशीर्वाद मानते हुए माँ को श्रेय दे रहे हैं। बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत आनंद आये हमें। हाँ, हमारा लड़का बहन में बहुत आनंद, बहुत खुशी आये। खुशी के माले इतना करो को खुशी हमें सीमा ना रहा। हाँ, बहुत खुशी आये। मतलब हम अब बूढ़ पुराने का हमारे लड़के जो सब हमें तो ये सब अपन कमा धमा के कैसा भी करके मतलब पढ़ोना है। हाँ, फल सूल फल वल दुकान सब कह के कैसा भी करके अपन पढ़ोने लिखोने। हम तो भाई बूढ़ पुरानिया हैं, मतलब हम का ये करें। अभय वर्मा जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। हाँ, हमने बहुत मेहनत किया और आज मेहनत का ये रिजल्ट निकला कि मतलब वो आपके लोगों के सामने है। फरीदाबाद में रहता हूँ, हाँ, सेक्टर 28। खबर सुना तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुँह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे। हाँ जी, खुशी के आंसू निकल रहे थे। कुछ भी नहीं, किसी को फ़ोन मिलाया तो मतलब एक सेकंड भी बात नहीं कर पा रहा था, बस यही मन कर रहा था बस पहले खूब अच्छे से बोलूँ फिर कुछ बोलूँ। बहुत बहुत हर्ष हुआ सर, हमें हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, हमारे साथ हमारा सपोर्ट रहा। मेहनत तो इन्होंने की अपने आगे बढ़ने में। आज इन्होंने 4-5 साल से लगे रहे उसी में और आज इस पोस्ट पे पहुँचे। हमें बहुत ही, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। हम फरीदाबाद रहते हैं, ये हमसे थोड़ा दूर रहते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये मुखर्जी नगर दिल्ली में रहते थे और वहीं पढ़ते थे। हम लोग बस सपोर्ट किए, मेहनत तो इन्होंने की है। इस खबर को सुनकर निजामबाद विधानसभा के कद्दावर सपा नेता इसरार अहमद भी सुलखा वर्मा को बधाई देने पहुंचे और कहा कि ऐसे प्रतिभावान बच्चे सिर्फ अपने परिवार की आकांक्षाओं को ही नहीं पूरा करते, बल्कि वो तमाम संघर्ष कर रहे छात्र छात्राओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि सुलखा वर्मा ने पूरे जिले का नाम देश भर में रोशन किया है और हम इन्हें बधाई देते हैं। देखिए, वो निजामाबाद विधानसभा के अंतर्गत निवादा गाँव है और सुलखा वर्मा उनका नाम है। मैं जब पता चला तो मैं उनके घर गया था, कुन उनको उनका हौसला अफजाई करने के लिए मैं उनको बधाई देने गया था। और इससे पहले रोशनी यादव जो है हमारे अंबारी के पास की हुई थी, एसडीएम पद पे उनका चयन हुआ था। लखनऊ में भी एसडीएम थी, इस समय मिर्ज़ापुर में है, तो मैं उनके घर भी गया था। तो मेरा जाने का मकसद इतना है कि इनको मैं इनके बीच में जब जाऊँ तो और बच्चों के बीच में हौसला जागेगा, उनके अंदर भी एक प्रेरणा आएगी कि हम भी आईएएस पीसीएस बने, ताकि हमारे घर भी लोग हमको हौसला बधाई देने आवें। तो जाने का मकसद इतना कि क्षेत्र में जब होता है तो और खुशी होती है और ज़िले के भी जब होते हैं तो खुशी होती है, तो उसमें खुशी दे के उनको और प्रोत्साहन करने गया था। देखिए, ऐसा है कि जब तक माँ बाप का संस्कार, माँ बाप का जो संस्कार मिलेगा
तो उसमें हर बच्चे आगे जाएंगे। और दूसरी बात, जब जिले का एक रिजल्ट आता है तो और बच्चों में एक प्रेरणा पैदा होती है और वह उसके तई तो आकर्षित होते हैं और आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। जब जब त्याग और बलिदान की भावना होगी तो जरूर लड़के क्वालिफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।